उत्तर प्रदेश सरकार में विधायक रमेश चंद द्विवेदी ने एएनबी न्यूज के संवाददाता सुधीर मिश्रा से खास बातचीत की। आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं पूर्व सांसद रमेश चंद द्विवेदी जी के साथ बातचीत करने के लिए। आज राम मंदिर की जब तारीख भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग घोषित कर दी है 22 जनवरी 2024, ये राम मंदिर का मुद्दा कहीं ना कहीं काफी अरसों से चला आ रहा था। इसको लेकर विपक्ष भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर होता रहा है। हमेशा विपक्ष ये कहता रहा है कि मंदिर वही बनाएंगे पर डेट नहीं बताएंगे। वही भारतीय जनता पार्टी ने आज डेट घोषित कर दी है और सभी विपक्षी दलों को निमंत्रण भी दिया। उन सारी चीजों में कहीं ना कहीं राजनीतिकरण की भी बात आई। वही विपक्ष ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस राम मंदिर का राजनीतिकरण कर रही है। इन सारी बातों पे जब सन 1992 की बात है और कल्याण सिंह जी की सरकार थी, उस समय हमारे साथ जो शख्सियत है रमेश चंद द्विवेदी, ये उस समय विधायक हुआ करते थे। हम इनसे बातचीत करके जानेंगे कि आखिर जब बाबरी विध्वंस का जब उस समय मामला हुआ तो वो था क्या, उस समय की सिचुएशन क्या थी। इन सारी मुद्दों में बात करेंगे और आज जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है तो इस चीज में वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या गौरव उनको प्राप्त हो रहा है। रमेश चंद जी, आपका एएनबी न्यूज में स्वागत है। जी धन्यवाद। वो जब 1992 में आप विधायक रहे और कल्याण सिंह जी की सरकार रही, हम वहीं से बात करेंगे आपसे। वो बाबरी मस्जिद का उस समय वो परवान चढ़ा हुआ था, वो मस्जिद का मामला, राम मंदिर को लेके तमाम कार सेवक वहां पे बलिदान हो गए, वो क्या था, थोड़ा सा मुझे संक्षिप्त में बताइए। 1989 में जब मुलायम सिंह यादव यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उस समय ये घटना हुई थी 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को 1990 में। तो उस समय उन्होंने गोली चलवा दी थी, कार सेवक गए थे और उसमें काफी कई जान लोगों के राम भक्तों की चली गई थी। और सरजू नदी के पुल पर ये समझिए कि वहां से तमाम लाशें गिरा दी गईं, पत्थर बांध करके उनका पानी में ढकेल दिया गया। ये बहुत बड़ी घटना हुई थी। जी होता है थोड़ा कि सत्ता से हम ना जाए, कोई भी पद में आ जाए, वो सरकार में जाके और त्याग पत्र दे देना, ये कितना बड़ा फैसला था, इसे आप सही मानते हैं कि गलत? देखिए, कल्याण सिंह जी समर्पित राजनेता थे और वो हिंदू हृदय सम्राट थे और उन्होंने शपथ ली थी और सब लोगों ने शपथ ली थी, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाए, तो अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, वो ढांचा नहीं बचा, तो उन्होंने स्वयं जाकर के गवर्नर को अपना इस्तीफा दे दिया। गद्दी की एक मिनट भी उन्होंने चिंता नहीं किया कि मुख्यमंत्री के पद पर वो बने रहें, और उन्होंने जाके सहर्ष त्याग पत्र दे दिया